हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, फोर क्लास 8 साइंस, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो यहाँ पर देखिए कि जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, छोटे से भी छोटे से भी छोटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, मींस हम उनको अपनी आईज से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेंस चाहिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। सो इस चैप्टर में हम ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड भी हैं एंड फो भी हैं। फ्रेंड का मतलब होता है कि हमारे वो दोस्त भी हैं, और फो का मतलब है कि वो हमारे एनिमी भी हैं, राइट? सो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप सभी लॉकडाउन में हैं, तो लॉकडाउन में भी आपको पता होना चाहिए कि हमें लॉकडाउन क्यों किया गया है। बिकॉज कोविड-19, दैट इज जो कोरोना वायरस है, वो इंडिया में 1 लाख से अबव हो चुका है, राइट? उसकी जो संख्या है 1 लाख से अबव हो चुकी है। सो कोरोना वायरस भी एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, राइट? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स कोरोना वायरस को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको भी हम वेरी पावरफुल लेंस से ही देख सकते हैं। तभी आपको बोला जाता है कि आप बार बार, हर 1 घंटे बाद, अगर आप किसी चीज को टच करते हो, अगर आपके जो हैंड्स हैं उन पे कंटेमिनेट हो चुके हैं, तो आप उनको सैनिटाइजर के साथ या फिर नॉर्मल सोप के साथ भी धो सकते हैं। सो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं वायरसेस बैक्टीरियाज के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, राइट? जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखिए प्लांट्स और एनिमल्स को तो आप देख सकते हो, बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते, राइट, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड्स गेट स्पॉइल्ड और इट सर्फेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश व्हाइट पैचेस। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्निफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डिड यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? देखिए, आप एक ब्रेड का जो पैकेट होता है, अगर उसको आप काफी लंबे समय तक अपने अपनी किचन में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट सा पार्टिकल्स आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, ग्रेइश व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। सो वो पैचेस क्या हैं? उनको आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, एक बड़े पावरफुल ग्लास लेंस से देखेंगे, तो वो आपको ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, राइट? सो उनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सोयल फ्रॉम दी फील्ड इन ए बीकर एंड एड वॉटर टू इट। आफ्टर द सोयल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी? तो आपने यहाँ पर इस एक्टिविटी में सोयल लेनी है, मिट्टी लेनी है, और उसको एक बीकर में डाल लेना, उसमें कुछ पानी ऐड कर लेना। जब सोयल आपकी सेटल हो जाएगी, तो फिर आपने उस पानी के एक ड्रॉप को किसी माइक्रोस्कोप के अंदर, एक काफी हाईली मैग्निफाइड लेंस लगा होता है, तो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, उसके अंदर आपने देखना है, तो आपको क्या दिखेगा, राइट? सो टेक ए एक्टिविटी 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो आपने एक तालाब से एक पानी की बूंद लेनी है, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर देखना है और माइक्रोस्कोप से देखना है, देखिए आपको क्या नजर आएगा। डिड यू फाइंड एनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए नजर आएंगे उसके अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट वॉटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज, राइट? ये इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम अपनी नेकेड आई से, अनएडेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ब्रेड के ऊपर क्या आ जाती है? फंगस आ जाती है, राइट? तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, व्हाट इज दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब। देखिए, इसको बिना माइक्रोस्कोप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन जिनको हम नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। देखिए, इनको फोर मेजर ग्रुप्स के कैटेगरी में यहाँ पर डिफाइन किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। सो यहाँ पर फोर टाइप्स के, आपके फोर ग्रुप्स में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने
डिफाइन किया हुआ है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, ये आपको देखिए बैक्टीरिया है, यहाँ पर एल्गी है, प्रोटोजोआ है और फंगाई है, राइट। सो ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फोर ग्रुप्स के डिवाइडेड किए गए हैं। नेक्स्ट इज वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.4। देखिए वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के ही कैटेगरी में आते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इनको भी हम माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, राइट। ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, सपोज करो हमें वायरस हो गया, तो ये फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से पांच, जैसे कि आप सुन रहे हैं कोरोना से अगर एक बंदा कोई उसके कॉन्टेक्ट में किसी को कोरोना हुआ है तो वो फर्दर दो को कर सकता है, फिर वो दो फर्दर चार को कर सकते हैं, फिर वो चार फर्दर आगे छह को कर सकते हैं, तो बहुत ही तेजी के साथ ये वायरसेस फैलते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर फिगर में आपको 2.5 फिगर, दिस इज द फिगर। सो देखिए यहाँ पर वायरसेस की आपको फिगर दी हुई है, ये एक टाइप के सैटेलाइट के जैसे लग रहे हैं, राइट, फिगर 2.5 वायरसेस। सो इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें ऐसी फिगर्स नजर आती हैं, राइट। सो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और फ्लू, देखो इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो खांसी होती है हमें, काफी टाइप की जो कफ्स होती हैं, और हमें कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये वायरसेस की वजह से ही होता है। सीरियस डिजीज लाइक, अब इसमें सीरियस डिजीज हो जाती है लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको हम इंडिया में छोटी माता भी बोलते हैं, सॉरी बड़ी माता बोलते हैं चिकन पॉक्स, और छोटी माता बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को। सो आर ऑल्सो कॉज्ड बाय, ये भी वायरसेस से ही फैलती है, राइट। सो डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो मलेरिया, डायसेंट्री टाइप की जो डिजीजेस होती हैं वो उससे, वो किससे फैलती हैं, प्रोटोजोआ से। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। देखिए यहाँ पर किस टाइप की डिजीजेस किस से फैलती हैं वो आपको गिवन है, तो वायरसेस से, पोलियो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कफ्स, ये आपके वायरसेस से फैलती हैं, और डायसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ से, एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासेस 6th एंड 7th। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी किया होगा। सो देखिए यहाँ पर आपको देखिए बैक्टीरिया को, ये आपकी जो दो पिक्स दी हुई है बैक्टीरिया की, तो ये काफी माइक्रोस्कोप के अंदर हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास लगे होते हैं, तो उनसे ली गई ये पिक्स है। नेक्स्ट आपको एल्गी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, स्पायरोगायरा, दिस इज स्पायरो, ये एक टाइप की एल्गी है, राइट। कैल्मीडोमोनस, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एल्गी। प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, वन इज एमीबा एंड अनदर वन इज पैरामीशियम, राइट। यहाँ पर फंजाई के कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस। सो देखिए अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने ब्रॉड फोर कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है। दैट इज फर्स्ट वन, हमारी जो कैटेगरी थी वो थी बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई। सो ये ब्रॉड मेन फोर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और वायरसेस ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम, बट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं वायरसेस। नाउ द टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां पर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। सो यहां पर देखिए माइक्रोनिजम्स आपके सिंगल सेल्ड भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, ये आपके सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब होता है इनमें एक ही सेल होती है, राइट। जैसे कि हमारी बॉडी अब कई सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं, काफी टिश्यूज से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो सिंगल सेल हमारे माइक्रोनिजम्स होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। और मल्टी सेलर का मतलब होता है, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स मैनी सेल से मिलके, ऐसे माइक्रोनिज्म जो मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। सो कुछ एल्गीज होती हैं और फंजाई होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें एक सेल से ज्यादा सेल्स होती हैं।
सो दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. तो देखिए यहाँ पर ये किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो, गर्म पानी हो या फिर डेजर्ट का एरिया हो या फिर मार्शी लैंड हो. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो ये ह्यूमन्स की बॉडी में भी फाउंड किए गए हैं. सम माइक्रोनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. सो एक माइक्रोनिज्म दूसरे माइक्रोनिज्म के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ एग्जिस्ट फ्रीली भी घूमते हैं. तो ये इनका रहने का ठिकाना तो कुछ नहीं है, ये हर जगह ही फैले हुए हैं. राइट. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एनिमी का काम करते हैं. राइट. हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे एज ए फ्रेंड काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. दीज आर यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हेल्प करते हैं कर्ड की प्रेपरेशन में, ब्रेड की प्रेपरेशन में एंड केक की प्रेपरेशन में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. तो यहाँ पर ये एल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. एल्कोहल हमारी कुछ मेडिसिन में भी काफी ज्यादा एल्कोहल का यूज होता है, जैसे जो कफ की मेडिसिन होती हैं उनमें एल्कोहल यूज होता है. बट कुछ लोग इनको कंज्यूम भी करते हैं एल्कोहल को. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यहाँ पर हमारे एज ए फ्रेंड काम करते हैं, जो कि एल्कोहल बनाने में, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में एज ए फ्रेंड का काम यहाँ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसिस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन अप का काम करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल की जो पील्स होती हैं, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं. राइट. और इनको ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, इनमें जो बैक्टीरिया इनको धीरे 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 ब्रेक डाउन कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं. राइट. सो रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर. दे आर यूज टू इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी अभी स्टडी किया है कि ह्यूमस के बारे में हमने स्टडी किया था. ह्यूमस क्या करती है, हमारी सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है. ह्यूमस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं वो हमारे सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. राइट. सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. So class 7 में जैसे आप study कर चुके हैं, जो curd बनता है वो bacteria की action से बनता है. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. So यहाँ पर देखिए जो ये पहेली ने के mind में question आया है कि पहेली की जो mother है वो curd को गरम थोड़े से कोसे warm milk में, थोड़ा गरम milk में वो थोड़ी सी curd मिला के रख देती है और next day वो चेक करती हैं. तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैकिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. देखिए कर्ड के अंदर कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में. राइट. देखिए इसमें जो बैक्टीरियम लैक्टोबैकिलस होता है जो कि कर्ड को बनाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम लैक्टोबैकिलस, ये आपकी एज ए फ्रेंड काम कर रहा है. राइट. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. तो यही बैक्टीरिया आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स. सो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे चीज बनाने में, पिकल्स यानी कि अचार बनाने में और कुछ फूड आइटम्स बनाने में भी काफी हेल्प करते हैं. एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड. कैन यू गेस व्हाई. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosas better. So यहाँ पर bacteria और yeast दोनों helpful होते हैं fermentation process के लिए, rice, idlis और dosas. So students, आपने अभी जो जितना topic कराया उसको आपने अच्छे से अपनी book से read करना है. Plus इसमें जो NCERT के back exercise के questions हैं, जो fill-ups हैं, कुछ इनमें हो सकते हैं, तो उनको आपने try करना है. Right? So इस video में इतना ही करेंगे. बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.